हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल इजी टेक्निक। इजी टेक्निक पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मैं जब भी एक नया यूज़फुल वीडियो यूट्यूब में अपलोड करता रहूँ तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जाता रहे और आप बिना रुकावट मेरे वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक इंजॉय के साथ देख पाओ। अगर आप एक नया रिटेलरशिप लिए हो स्पाइस मनी का और या लेना चाहते हो तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। और आपके दिमाग में अगर ये सवाल घूम रहा है कि स्पाइस मनी के ऐप के ज़रिए हम किसी भी बैंक का मिनी स्टेटमेंट कैसे चेक करते हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो को प्ले किए हो। आप चिंता मत कीजिए, आज के इस वीडियो में मैं शेयर करूँगा कि स्पाइस मनी के ज़रिए आधार कार्ड के द्वारा किसी भी बैंक का मिनी स्टेटमेंट कैसे चेक करते हैं। बस एक ही शर्त है, आपका आधार कार्ड जो है बैंक खाते से लिंक होना जरूरी है। इसके सिवा आप आधार कार्ड से स्पाइस मनी के द्वारा मिनी स्टेटमेंट नहीं चेक कर पाओगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और एक बात, इस कोरोना काल पे आप अपने घर से तभी निकलिएगा जब बहुत ही आवश्यक हो, और अपना और अपने परिवार का पूरी अच्छी तरह से ख्याल जरूर रखिएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी जरूर कीजिएगा और बार बार अपने हाथों को सैनिटाइज भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम अपना स्पाइस मनी ऐप को ओपन कर लेते हैं। चलिए ओपन कर लेते हैं। स्पाइस मनी ऐप ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आएगा। देखिए, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आएगा। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन दिख रहा है। तो हमें क्या चेक करना है? मिनी स्टेटमेंट। स्पाइस मनी में देखिए बहुत से ऑप्शन हैं और बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन हैं। बहुत ही अच्छा पोर्टल है ये, काफ़ी रिटेलर बहुत अच्छा कमाई कर लेते हैं इससे। तो मैं क्या करूँगा, मिनी स्टेटमेंट कैसे चेक करते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ये जो ऑप्शन है मिनी स्टेटमेंट, मिनी स्टेटमेंट पर हमें क्लिक करना है। मिनी स्टेटमेंट पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलकर आएगा। फिर हमें यहाँ पे क्या करने के लिए बोल रहा है, सेलेक्ट बैंक, मतलब हम किस बैंक के खाते का जो मिनी स्टेटमेंट देखना चाहते हैं। क्या देखूंगा, आप किसी भी बैंक के देख सकते हो। देखिए यहाँ पे दिखा है व्यू ऑल बैंक्स, यहाँ पे क्लिक करने से दिखा देगा सभी बैंक। ये देखिए कितने सारे बैंक हैं, आप सभी बैंकों का देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का देखूंगा, इसलिए मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करूंगा। आप अपने हिसाब से जिस भी बैंक का देखना चाहते हो वो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेना। तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का देखूंगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैं सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आधार नंबर जो डालना है, यहाँ पर आधार नंबर डालना है, तो मैं आधार नंबर डाल लेता हूँ। कस्टमर का आधार नंबर मैं डाल लेता हूँ, आधार नंबर डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद देखिए नीचे दिखा रहा है आई एक्सेप्ट टू आधार कंसेंट, इस पर क्लिक कर देना है। देन उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है, प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। और ऊपर जो देखिए यहाँ पे बायोमेट्रिक डिवाइस दिखा रहा है, आपके पास जो भी बायोमेट्रिक डिवाइस होगा आपको उसी को सेलेक्ट करना है। मेरे पास मॉर्फो है इसलिए मैं मॉर्फो सेलेक्ट किया हूँ। आपके पास जो भी बायोमेट्रिक डिवाइस होगा आप उसी को सेलेक्ट करोगे, अन्यथा नहीं होगा। तो मेरे पास मॉर्फो है तो मैं मॉर्फो सेलेक्ट किया हूँ। तो उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, बायोमेट्रिक डिवाइस पे क्या होगा, लाइट जलेगा, फिर हमें अपना या कस्टमर का थंब देना है या कोई भी उंगली देना है, फिर अपने आप शो हो जाएगा यहाँ पे मिनी स्टेटमेंट। ये देखिए हो गया सक्सेसफुल,
मिनी स्टेटमेंट, ये देखिए ये ईपीएस ट्रांजेक्शन फॉर मिनी स्टेटमेंट हैज़ बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। देखिए यहाँ पे जो इस बैंक खाते का मिनी स्टेटमेंट पूरा दिखा रहा है। अब इसको आप क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको जिस कस्टमर का बैंक खाता है उस कस्टमर को मैं क्या करूँगा, व्हाट्सअप करूँगा या मतलब शेयर करूँगा। तो यहाँ पे मैं शेयर पे क्लिक करता हूँ। शेयर पे क्लिक करने के बाद व्हाट्सअप पे भी मैं शेयर करना चाहता हूँ। अब जो कस्टमर आया था मेरे पास उस कस्टमर को मैं ये शेयर कर दूँगा मिनी स्टेटमेंट को। मैं सर्च कर लेता हूँ, देखिए मैं सर्च किया हूँ, इसको मैं इसके साथ शेयर करना चाहता हूँ कस्टमर के साथ। तो मैं शेयर कर दिया हूँ, देखिए ये मिनी स्टेटमेंट क्या हो गया, शेयर हो गया। अब मिनी स्टेटमेंट, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ मिनी स्टेटमेंट कैसा शो होगा, मतलब कैसा दिखेगा। ये देखिए अभी आ जाएगा मिनी स्टेटमेंट। आप भी लाइव ऐसे कर सक, अगर आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखे हो फर्स्ट से लास्ट तक, तो आप भी निकाल सकते हो किसी भी बैंक का मिनी स्टेटमेंट आधार कार्ड के जरिए स्पाइस मनी के द्वारा। तो चलिए देखते हैं, ये देखिए जो अकाउंट होल्डर नेम है क्या हो रहा है, ये एजेंट का नाम है, तो अकाउंट होल्डर का नाम नहीं सॉरी, जो स्पाइस मनी का रिटेलर है उनका नाम है, और अकाउंट नंबर जो स्टेट बैंक का अकाउंट था सॉरी स्टेट बैंक का अकाउंट है, और आधार नंबर भी यहाँ पे दिया है, डेट भी दिया है, टाइम भी दिया है, तो फुल डिटेल दिया हुआ है। अब ये देखिए डेट, किस डेट पे कितना डेबिट हुआ, कितना क्रेडिट हुआ, वो सब दिया हुआ है। जैसे 5/5/21 को 2000 DR हुआ, मतलब डेबिट हुआ। उसके बाद 1000 रुपये 6 को डेबिट हुआ। उसके बाद 7/5/21 को 1000 रुपये क्रेडिट हुआ। उसके बाद उसी डेट पे डेबिट हुआ 1000, फिर उसी डेट पे क्रेडिट हुआ 10000, फिर उसी डेट पे क्या हुआ, डेबिट हुआ 10000, फिर सेम डेट पे क्रेडिट हुआ 123 रुपये, फिर सेम ही डेट पे 2 रुपये क्रेडिट हुआ, फिर 8/5/21 को क्रेडिट हुआ 2000। तो देखिए मिनी स्टेटमेंट फुल दिखा दे रहा है, काफ़ी अच्छा फीचर है ये स्पाइस मनी का, तो आप भी सीख सकते हो। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मैंने आप लोगों का काफ़ी हद तक हेल्प किया। अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। ओके दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो पे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखते रहिए इजी टेक्निक के वीडियो। और एक खास बात, अपना और अपने परिवार का ध्यान जरूर रखिएगा इस कोरोना काल में, तभी बाहर निकलिएगा, जखो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कीजिएगा, और कुछ समय बाद अपने हाथों को सैनिटाइज करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ओके दोस्तों, बाय बाय।